क्या चीज का मैम? अरे मैम बिहार से मैम रैंक वन मेरा ही ना आया है। हेलो। अच्छा। यस मैम। तो रैंक वन आया है आपका, सब नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपका? नेक्स्ट मैम यही प्लानिंग है कि हम अपना छोटा भाई को मोशन में डालेंगे मैम। क्या नाम आपके छोटे भाई का? उसका मैम शुभम कुमार। आप कौन बात कर रहे हैं? शुभम ही बात कर रहे हैं मैम। मेरा भी छोटा मतलब जो भाई है वो अपना भाई नहीं है, मतलब चाचा का बेटा है, उसी का उसका भी नाम शुभम ही है। तो वो भी अभी 12th में ही है ना? नहीं मैम वो अभी 11th में है। हाँ मैम वो है तो मैम वैसे वैसे तो मैम है तो मैम वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों पांचों है, लेकिन वो हम मतलब वो एडिशनल में लिया है बायो। जेई की तैयारी करनी है ना उनको। तो अच्छा मैम हमको ही बताइए आप फोन काहे किए हैं, सो बताइए। एक्चुअली हमारी ऑलरेडी नंबर से बात हुई थी एडमिशन के लिए, अच्छा तो अच्छा दैट्स अच्छा व्हाई हमने कॉल किया है। अच्छा बोलिए बोलिए। हमारी ऑलरेडी बात जनवरी में हुई थी, 5 तारीख को भी हुई है, फिर उसके बाद 19 जनवरी को भी हुई है। स्कॉलरशिप कैसे दिया गया आपकी तरफ से? ओ तो बहुत दिन बाद कांटेक्ट किए मैम, क्या बात है। सर हम डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं बीच बीच में, बट आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है सर। मेरे साइड से रिस्पॉन्स नहीं आता है, किस पर कॉल किए थे मैम? सर इसी नंबर पर कॉल किया था मैंने आपको, ऐसा मैं हो बात नहीं नहीं सकता, पाई। हम दिन भर मोबाइल में चलाते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सर आप देख लीजिए आपकी तरफ, क्योंकि हम तो कॉल करते हैं, अच्छा ऐसा वो है सब, नहीं कि हम अच्छा नहीं कॉल करते वो हैं। सब छोड़िए मैम, आप बोलिए आगे बोलिए, छोड़िए लगता है मिस्टेक हो गया तो आप होगा। मुझे आप एक बार मुझे आप बताइए कि क्या प्लान है, कब तक कोटा आने का प्लान है? मैम हम क्या करेंगे आकर के, अब तो मैं हमको कॉलेज मिल गया, हम क्या करेंगे कोटा आकर के, हमको फिर से ड्रॉप थोड़ी लेना है। अब रैंक आपके लिए नहीं, रैंक वन से आपके लिए ऊपर नहीं थोड़ी सर, कोई आपके रैंक भाई के जाता लिए। है। आप नहीं सर वो तो ज्यादा नहीं है, पर आपके सॉरी भाई के लिए बोल रहा था मैंने, हाँ हाँ आपके हाँ भाई के लिए पूछा मैंने आपसे। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि रांची कोटा में ही लिखवाएंगे, रांची में भी है मोशन, वहां लिखवा लेंगे। रांची में दिखा सकते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, पटना में भी है सेंटर, हाँ तो हाँ हाँ वही चीज हम कंफर्म कर रहे हैं कि कहाँ का प्लान है आप लोगों का, कि देखते कहाँ हैं मैम, ज्वाइन करना है। जैसे कहीं अगर जो जहाँ सस्ता ज्यादा अगर जो अच्छा रहा तो वहां करवा लेंगे। सभी जगह अच्छे हैं और प्रॉफिटेबल फील्ड अच्छा तो है, है तो ये है जरूरी है मैम, कि नहीं। जैसे अच्छा तो ये है, आपको अगर जो कोई नौकरी देवे मोशन में, अगर जो मान लीजिए ऐसा इन फ्यूचर हो कि आपको विदेश में भी भेजा जाए, तो विदेश का खर्चा और इंडिया का खर्चा दोनों सेम ही है, उसी तरह अपना शहर अपना विदेश खर्चा के हिसाब से का देख लेंगे। खर्चा वही तो कह रहे हैं हम आपको, वही तो पूछ रहे हम भी आपसे। हाँ हाँ तो देख लेंगे, वही तो बोल रहे हो देख लेंगे। क्या बोल रहे हैं, कब तक मुझे आपके प्लान है तो फाइनल हो? आप जैसे कॉल करते हो उसी तरह कॉल करते रहिएगा। सर ऐसे कॉल करते रहिएगा उससे नहीं होता है ना सर, एक मुझे फाइनल रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है ना, कि हम फाइनल ये रिस्पॉन्स है मैम हमारा, दिक्कत ये है ना मैम कि बार अभी बार कॉल समय करूंगा आया आपको नहीं तो है, जैसे अभी वो 11th में है, 11th का एग्जाम दे लेगा तब ना मैम आपके पास जाएगा, कि पहले ही से चल जाएगा, सो बताइए। जाएगा तो हम आपको कांटेक्ट कर आपके लेंगे। पास। वो तो ठीक है, पर आपने अभी जस्ट बोला कि 11th में गया है बच्चा, अभी कह रहे हो गया, 11th के एग्जाम अरे देगा फिर आएगा, आपको लगता है सुनने आपको में मुझसे कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो हो रहा है गया, ना स्टार्टिंग में। आपको सुनने में नहीं सर कंफ्यूजन हो आपने गया मुझसे मैम। बोला है, अरे आपको बोले तो 11th में नहीं है ना, नहीं कि गया है वो 11th में है। अच्छा, तो कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे? एग्जाम तो अभी लगता है सीबीएसई बोर्ड में ना है जी। हाँ सीबीएसई बोर्ड में है हाँ तो कब से स्टार्ट है एग्जाम? वो, तो लगता है अप्रैल में स्टार्ट होगा मैम इन लोग का, अच्छा, तो लास्ट मार्च को जब भी है। आपका प्लान होता है ज्वाइन करने का तो आप हाँ बता दीजिएगा। ओके सर, मैम आप कॉल करते रहिएगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? आप अक्टूबर में पक्का कीजिएगा मैम।